इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इसे स्मार्ट वॉच को लेने के बाद कोई भी पछतावा ना हो, कोई भी रिग्रेट ना हो इसे स्मार्ट वॉच को लेने के बाद। सो अभी जो हमारे पास स्मार्ट वॉच है ये है फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 स्मार्ट वॉच एंड कंप्लीट इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। सो चलिए फटाफट से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। सो जैसे ही हम बॉक्स को ओपन करते हैं सबसे ऊपर में यहाँ पे हमारा स्मार्ट वॉच देखने के लिए मिल जाता है। स्मार्ट वॉच को हम यहाँ से निकाल लेते हैं, फिलहाल के लिए इसको रखते हैं साइड में। इसी के साथ बॉक्स के अंदर आगे बात करें तो यहाँ पे एक हमें मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने के लिए मिल जाता है जिसका यूज करके हम स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे बॉक्स के अंदर हमें कुछ यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाते हैं एंड स्मार्ट वॉच में देख सकते हैं यहाँ पे एक फास्ट ट्रैक का टैग लगा हुआ है, तो इस टैग को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ एंड चलिए फाइनली आते हैं हम अपने स्मार्ट वॉच पे। सबसे पहले बात करते हैं इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे आपको 22 mm का एक सिलिकॉन स्ट्रेप देखने के लिए मिल जाता है एंड ये कंप्लीट चेंजेबल स्ट्रेप है, तो आफ्टर मार्केट बाय करके इसके स्ट्रेप को आप चेंज भी कर सकते हो। इसी के साथ तो यहाँ पे कंप्लीट आपको प्लास्टिक का बॉडी देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लास्टिक का काफी अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। इस साइड आपको एक पावर बटन देखने के लिए मिल जाता है, बैक साइड आपको देख सकते हो यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग का पॉइंट, कुछ सेंसर्स देखने के लिए मिल जाता है एंड ओवरऑल आप देख सकते हो स्मार्ट वॉच का बिल्ड एंड डिजाइन कुछ इस तरीके का कंप्लीट देखने के लिए मिलता है एंड बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में स्मार्ट वॉच काफी सही है। बात करें इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको 1.83 इंच का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है विद 500 nits ब्राइटनेस एंड यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है कर्व्ड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है, देख सकते हो कंप्लीट कर्व्ड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है जिसकी वजह से डिस्प्ले देखने में और काफी अच्छा लगता है। एंड इसी के साथ बात करें तो डिस्प्ले पे अगर आप प्रेस करके रखते हो कुछ इस तरीके से तो कुछ वॉच फेसेस जो है आप वॉच से ही चेंज कर सकते हो। एंड इसी के साथ बात करें तो इसके ऐप से कनेक्ट करके जो की है फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स वर्ल्ड करके, जिसको आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते एंड स्मार्ट वॉच को इसके ऐप से कनेक्ट करके कंप्लीट वहां से काफी सारे क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस देखने के लिए मिल जाते हैं जो की अलग अलग तरीके के आप वहां से कर सकते हो एंड इसके ऐप से ही कस्टमाइज करके कुछ इस तरीके से खुद का फोटो जो है स्मार्ट वॉच पे सेट कर सकते हो। इसी के साथ आगे बात करें अगर हम डिस्प्ले पे स्लाइड डाउन करते हैं तो यहाँ से बैटरी परसेंटेज एंड कुछ फीचर्स का यूज कर सकते हो। इसी के साथ बात करें तो यहाँ से आप सेटिंग्स में जा सकते हो, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से आप वॉच फेसेस चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप स्क्रीन टाइम एडजस्ट कर सकते हो कितने सेकंड बाद डिस्प्ले ऑफ होना चाहिए। इसी के साथ बात करें तो यहाँ से मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप वाइब्रेशन की इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से साउंड सेटिंग में जाके आप वाइब्रेशन या रिंग को ऑन ऑफ कर सकते हो। ऑल्सो बात करें तो यहाँ से आप फोन सेटिंग में जाके फोन को ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑल्सो मीडिया ऑडियो को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जो भी अगर आपका स्मार्ट वॉच अगर आपके फोन से कनेक्ट है तो जो भी अगर म्यूजिक या वीडियो अगर आपके स्मार्टफोन में प्ले हो रहा है एंड अगर उसका साउंड अगर आप स्मार्ट वॉच में चाहते हो तो मीडिया ऑडियो को ऑन कर देना है, अगर आपका साउंड स्मार्ट वॉच में नहीं चाहते हो तो मीडिया ऑडियो को ऑफ रखना है। इसी के साथ आगे बात करें तो QR कोड को स्कैन करके भी इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो, अबाउट में जाके वॉच के बारे में देख सकते हो, यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हो। वहीं अगर आप डिस्प्ले पे स्लाइड अप करते हो देन यहाँ से नोटिफिकेशंस देख सकते हो, जो भी मैसेजेस वगैरह आएंगे इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप वो कंप्लीट यहाँ से आप व्यू कर सकते हो देख सकते हो। एंड अगर आप डिस्प्ले पे स्लाइड लेफ्ट करते हो देन यहाँ से स्टेप्स काउंट, डिस्टेंस काउंट एंड कैलोरीज काउंट आप देख सकते हो, यहाँ से आप स्लीप मॉनिटरिंग का यूज कर सकते हो, हार्ट रेट मॉनिटरिंग का यूज कर सकते हो, यहाँ से आप वेदर अपडेट भी व्यू कर सकते हो एंड ऑल्सो यहाँ से म्यूजिक कंट्रोल का भी यूज कर सकते हो। इसी के साथ आगे बात करें अगर हम डिस्प्ले पे स्लाइड राइट करते हैं देन यहाँ से मेनू ओपन हो जाता है, मेनू में यहाँ से माई फिटनेस में जाके स्टेप्स डिस्टेंस कैलोरीज काउंट का यूज कर सकते हो, यहाँ से आपको मल्टी स्पोर्ट्स मोड देखने के लिए मिल जाते हैं काफी सारे जो कि यहाँ से आप यूज कर सकते हो, यहाँ से आप स्पोर्ट्स रिकॉर्ड भी देख सकते हो। ऑल्सो बात करें हेल्थ रिलेटेड फीचर्स में तो यहाँ से आपको स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसा फीचर देखने के लिए मिल जाता है। हेल्थ रिलेटेड फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आप टेबल या बेड वगैरह पर रख देते हो तो वहां भी आपको हार्ट रेट बता देता है, तो इसीलिए मैं बोलूंगा आपको डिपेंड नहीं रहना है, जस्ट एक आप आइडिया लेने के लिए हेल्थ रिलेटेड फीचर्स का यूज कर सकते हैं। आगे यहाँ पे फोन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, फोन के ऑप्शन में यहाँ से आप नंबर डायल करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, यहाँ से कॉन्टेक्ट देख सकते हो जो भी इसके ऐप से आप सेट कर दोगे, यहाँ से रिसेंट कॉल्स में जाके कॉल हिस्ट्री वगैरह कंप्लीट आप देख सकते हो। बात करें कॉलिंग की तो कॉल अगर आता है तो आपको क्विक रिप्लाई का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, आप क्विक रिप्लाई भी कर सकते हो, ऑल्सो रिजेक्ट भी कर सकते हो, रिसीव करके स्मार्ट वॉच से बात भी कर सकते हो। इसी के साथ आगे हम इस वीडियो में लाइव कॉलिंग टेस्ट भी करने वाले हैं, इसके स्पीकर एंड माइक का क्वालिटी कैसा देखने के लिए मिलता है तो उस पार्ट को आप जरूर देखिएगा। इसी के साथ बात करें तो यहाँ से आप वॉइस असिस्टेंट का भी यूज कर सकते हो, ऑल्सो यहाँ पे आपको कुछ गेम्स देखने के लिए मिल जाते हैं इनबिल्ट जो कि फन या टाइम पास के लिए आप प्ले कर सकते हो, यहाँ पे एक आपको रेसिंग का भी गेम देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफी फन है, काफी कुछ इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हो। एंड इसी के साथ आगे और बात करें तो यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल का भी फीचर देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ से आप कैमरा कंट्रोल का यूज कर सकते हो, ब्रीथ एक्स
एक्सरसाइज कर सकते हो, वेदर अपडेट यहाँ से भी व्यू कर सकते हो, यहाँ से आप अलार्म सेट कर सकते हो। इसी के साथ बात करें तो स्टॉप वॉच टाइमर का भी आप यूज़ कर सकते हो, साथ ही में यहाँ से फाइंड माई फोन, टॉर्च एंड नोटिफिकेशन यहाँ से भी आप व्यू कर सकते हो, एंड यहाँ से भी जो आप सेटिंग्स में जा सकते हो। चलिए अब लाइव कॉलिंग टेस्ट करते हैं इसके स्पीकर एंड माइक का क्वालिटी कैसा देखने के लिए मिलता है। सो देख सकते हैं यहाँ पे कॉल आ गया है, कॉल को मैं यहाँ से रिसीव कर लेता हूँ। हेलो, हेलो। कहाँ पे है? रास्ते में अभी चल के आ रहा हूँ। कहाँ, क्लासेस से जा रहा है क्या? तूने हाँ बोला क्लासेस आज बंद है। नहीं नहीं चालू है। हेलो, अच्छा, मैं मेरा वॉइस कैसे जा रहा है तेरे पास? हाँ वॉइस कैसे जा रहा है मेरा तेरे पास? क्लियर आ रहा है अभी। अच्छा, कट कट गया, रुक रुक के तो नहीं जा रहा है ना? अभी कैसे जा रहा है वॉइस तेरे पास? वॉइस कैसे जा रहा है अभी? अच्छा, अभी भी सही आ रहा है, चल ठीक है। सो आपने देखा लाइव कॉलिंग टेस्ट। बात करूं तो स्पीकर का क्वालिटी तो आपने सुना ही कैसा, काफी लाउड एंड काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। माइक का क्वालिटी भी यहाँ पे आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है, काफी क्लियरली जो है सामने वाले के पास आपका वॉइस जाता है, एंड सामने वाले का भी वॉइस आप काफी अच्छे से सुन पाओगे। ऑल्सो इसमें आपको IP68 का वाटर रेसिस्टेंट रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, तो बिल्कुल आप इसको पानी वगैरह में यूज कर सकते हो, हैंड वॉश करते समय, बारिश वगैरह में। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, 1 मीटर से ज्यादा अंदर पानी के नहीं डालना है, या 25 से 30 मिनट से ज्यादा पानी के अंदर यूज नहीं करना है। बात करें इसकी बैटरी लाइफ की, अगर आप एक बार 100% चार्ज कर लेते हो तो कितने दिन तक यूज कर सकते हो, तो नॉर्मल अगर आप यूज करते हो तो अराउंड यहाँ पे आपको 7 डेज का बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ यूज करते हो तो यहाँ पे आपको 2 से 3 दिन का जो है बैटरी लाइफ देखने के लिए मिलेगा। एंड अगर एक बार पहन के दिखा दूं तो देख सकते हो पहनने के बाद कंप्लीट कुछ इस तरीके का इनहैंड लुक आने वाला है, एंड इनहैंड फिट की बात करूं तो काफी कंफर्टेबल है, पहनने के बाद कोई भी इरिटेटिंग जैसा फील नहीं होता है, एंड स्मार्ट वॉच जो है काफी लाइट वेट है। बात करें इसको परचेस करना चाहिए या नहीं, खरीदना चाहिए या नहीं, सो बिल्कुल आप इसको परचेस कर सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन खरीदने से पहले एक चीज का आपको ध्यान रखना है, फास्टट्रैक का ये स्मार्ट वॉच है, फास्टट्रैक रिवोल्ट FS1 मैक्स एंड फास्टट्रैक रिवोल्ट FS1 प्लस, तो इन तीनों स्मार्ट वॉच को चेक करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ है तीनों स्मार्ट वॉच का प्राइस जो है सेम देखने के लिए मिला है, तो अगर तीनों स्मार्ट वॉच का प्राइस सेम रहता है तो वहां पे आपको फास्टट्रैक रिवोल्ट FS1 प्लस को लेना है, क्योंकि वहां पे आपको डिस्प्ले काफी बड़ा देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो ब्राइटनेस ऑलमोस्ट इससे डबल देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको 500 nits का ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है, एंड फास्टट्रैक रिवोल्ट FS1 प्लस में आपको 950 nits का जो है ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है। एंड अगर आपको फास्टट्रैक रिवोल्ट FS1 यही स्मार्ट वॉच लेना है तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऑफर आता है 1299, तो 1299 में भी कभी कभी ये स्मार्ट वॉच देखने के लिए मिलता है, तो आप वेट करके थोड़ा देख के जो है आप इसको 1299 में भी परचेस कर सकते हो। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से फॉलो करके मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।